सामने बल्लेबाज रसल। मेरा सभी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सबने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आए हम गडुना गांव में मैच खेलने, और पहला मुकाबला है आज हमारा, और ये हमारे टीम के खिलाड़ी आज सब लोकल खिलाड़ी हैं, और यहाँ पे कॉमन टू बॉक्स, तो देखते हैं कैसे कुछ रह पाता है मैच, और यहाँ ठीक सामने पे खेला जाएगा मैच। तो चलिए चलते हैं आपको मैच में। तो अभी हमारे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज दीपू भाई और राहुल मल मैदान के बीच पहुंच चुके हैं, तो ओपन आज दोनों ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से रहता है मैच। पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया टीम। चल जा चल जा, एक बार फिर गेंदबाज सजी। तो इस बार सामने है बल्लेबाज की खेल आएगा इसको, और सही बाजी हो रही भाग 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 जल्दी भाग। चार 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 पारी का पहला चौका। इतना नहीं जाएगा रे, क्या समझ रहा है। कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर सम्मान दिया बॉल को। एक बार फिर गेंदबाज अभी काफी गेंद अमित राहुल के लिए गए थे एक बार फिर अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर का लंबा हिट करना चाहते थे राहुल, हालांकि कैदर कैद फिल्लू जी गेंदबाज सजी के आदम है। इस बार खाए गए को तीन बॉल में डिक्लेयर रहे बल्लेबाज राहुल को फील करने में बिल्कुल सफल। एक बार फिर गेंदबाज सजी अंपायर को पार करते हुए राहुल चौका गेंदबाज सजी तीन बॉल दोनों बल्लेबाज भाई नहीं गए जो जाएगा तेज खेलना ना कमाल की शुरुआत देते हुए दोनों खुले लेवल के लिए। तो एक बार फिर गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज अभी अपने कोटे का दूसरा पारी का चौदह वाले का अभी
दीपक के लिए गेंद रे तीन बड़ी लड़ अच्छी बात थी स्कोर को घोड़ी का स्कोर 32 रन मारे खेल रहे मारी रहे इस ओवर में हल्की स्ट्रोक चार ओवर यार कमाल की गेंदबाजी पास आ जाए कुलदीप बड़ा लेफ्ट शुरू मारे फुट ओके राय वेग राय वेग आ भाई चलिए जो विचार ने प्रति गेंद को एक बार फिर शुरू यार अच्छी गेंद ये भाग कर ये ऊपर रहे पैर इधर तो देता हूं इस सामने के बल्लेबाज ने यार ये दौड़ आराम से चले हैं पांच बॉल खेलो रोशी कुलदीप बाएं हाथ के गेंदबाज इस बार तीन हो गए मिल चेह रहे आप आज तेरी वीडियो बनने की बात आज कमाल की बल्लेबाजी करते हुए राहुल एक बार फिर गेंदबाज कुलदीप खेला गया चार 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 बोल रहे हैं कुलदीप सामने होंगे बल्लेबाज चार 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 भाग 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 एक और 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 बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े लेने में सफल हुए थे 45 वो बैटिंग रहे थे जोन गनी में तो नए गेंदबाज अभिषेक टॉप आउट इस बार निराश जरूर होंगे बल्लेबाज रवि टीम घोड़ी को लगता है भाई ये दूसरा झटका लगे थे फील्ड में चल रहे जो कि पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज तो एक बार फिर गेंदबाजी का जिम्मा संभाले अभिषेक इस बार बस 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 हटो हटो सामने वाला हालांकि कैच का खतरा पूरे बैट चला रहा मार बुला मार 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 पटकी हुई गेंद बढ़िया चार 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 बढ़िया राइट टीम मारेगा के बाद जबकि पारी का 6 ओवर प्रगति पर लेकर पहली बार सामना करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज ऊंची उठी है दोनों बल्लेबाज गेंदबाज सामने है बल्लेबाज पवन चल इस बार खेला गया दो ऑफसाइड की ओर तब देखना होगा कितने रन बटोर पाते दोनों बल्लेबाज इस बार सामने है बल्लेबाज राहुल इस बार खेला गया को लगता है कि तो देखना होगा कितना रन बटोर पाते हैं दोनों बल्लेबाज एक छोटी सी साझेदारी होती दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर गेंदबाज अभिषेक इस बार ऑफिसर ने हल्की सी बार रखा है गेंद को बल्लेबाज राहुल मैं
किस तरफ का है? एक बार फिर कह रहा आज या अभी देख राहुल के द्वारा कमाल की बल्लेबाजी, तो इस बार छोर बदला लगी चार लगी ये बस 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 बढ़िया बहुत बढ़िया माऊ राहुल की भागा कली 24 के अंदर पावन पर होंगे बल्लेबाज राहुल जहाँ मिलेगी अगर गेंदबाज इनका भूत आ खड़ा करे उसके बाद जाएगा भी तो राहुल धन्यवाद बस बस बेजी ये बस सीधे सीधे क्या पहला छक्का हालांकि लंबा शॉट मारने का प्रयास इस बार निराश जरूर होंगे अपनी बल्लेबाजी से लौटना होगा इस बार कमाल की गेंदबाजी रिजल्ट के द्वारा पवन ने 15 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली तो कृपया नए बल्लेबाज का नाम कमेंट बॉक्स में पहुंचा सब नए बल्लेबाज इस बार पटकी हुई गेंद खेला जरूर है गेंद को तो देखना होगा कितने रन मात्र एक रन से संतुष्ट अपना आठ शतक लगा चुके हैं इस बार कोई गलती नहीं कमाल की बल्लेबाजी राहुल के द्वारा इसमें कोई शक नहीं इस बार खेला जरूर चाहते थे हालांकि कैदर बल्ले का उतना संपर्क नहीं मामू आपका फोन आ रहा है आपका ये मेरे को कोटी के पहले वाला मेरा रहो ये तो कौन साले फोन विकेट अपना गेंदबाजी का दिमाग संभाले रे साहब माफ कीजिए मांगो लो सताओ बल्ले कर ओहो इस बार खेला गेंद को तो देख रहा होगा किधर है बटोर बाकी दोनों बल्लेबाज शॉट आ रहा है मजा बल्ले से अरे अंदर है एक बार हल्की सी फील्ड अरे एक रन जरूर लेगा चला सामना करेंगे गेंदबाज सचिन का तब बैल को पार करते हुए ये गेंद डबल 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 एक बार फिर गेंदबाज सचिन इस बार सामने है राहुल इस बार खेला गेंद को हालांकि क्षेत्र मौजूद डबल डबल डबल
गए डबल भाई आराम से भाग रहे बस 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 हो गया किसी स्पीड पर भाई हम इस बार अच्छी गेंद मारे एंड लास्ट तक मैं आता रुको बाल की बल्लेबाज करते हैं इस बार फुल टॉस चली बॉल बहुत चली क्या कर पाते हैं राहुल के लिए गेंद बल्लेबाज बल्लेबाज चले गेंदबाज मोहित तैयार भवन के गेंद लॉजिस्टिक से काफी बाहर बेहतरीन विकेट के बीच स्कोर बढ़ता हुआ एक रन एक बार फिर पवन के गेंद इस बार काफी बेहतरीन गेंद सम्मान दिया बल्लेबाज मोहित ने पवन चले ये गेंद काफी बेहतरीन गेंद काफी सती हुई गेंदबाज अगर टीम हाल को जीता है तो लंबे लंबे हिट लगाने होंगे इस बार बेहतरीन गेंद अंदर की तरफ को आती हुई गेंद और इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने अब गोपाल बुटेलो को पार किया सचिन के लिए गेंद काफी बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज सचिन ने दौड़कर एक रन पूरा किया अरे दो यार काफी बेहतरीन गेंदबाजी चले गेंदबाज पवन इस बार बेहतरीन गेंद और पीछे हल्की बाहर गेंद समझ पाए बल्लेबाज अमोल पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम खाल का स्कोर है 3 रन पारी का दूसरा ओवर लेकर अंशु सचिन के कैच लपक पाते हैं नहीं लेकिन फील्डर की रन से काफी दूर तीसरे रन की मांग बल्लेबाज सचिन द्वारा और अब बल्लेबाज मोहित पहली बार सामना करेंगे गेंदबाज अंशु का बाएं हाथ के बल्लेबाज मोहित तैयार गेंदबाज अंशु चले मोहित के लिए गेंद इस बार बेहतरीन गेंद जोरदार अपील लेकिन लगी स्टिक से काफी बाहर गेंद लेग बैक के रूम में एक और अतिरिक्त रन काफी बेहतरीन फील्ड यहां पर टीम खोड़ी के कैप्टन रवि नेगी द्वारा सजाई गई है खुद विकेट की का जिम्मा संभाले हुए कप्तान रवि नेगी गेंदबाज अंशु सचिन के लिए गेंद इस बार प्रहार और सचिन के बल्ले से इजी टिका रहे भाई पहला अंशु चले इस बार सम्मान दिया बल्लेबाज सचिन ने बढ़िया सचिन सचिन द्वारा अभी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं बल्लेबाज सचिन चले गेंदबाज सचिन के लिए गए इस बार बार प्रहार पाला बदलाव गेंद बेहतरीन गेंद ऑफिसिक से बाहर ठीक है मानना चाहते बल्लेबाज लेकिन
बल्ले स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे बल्लेबाज, रन से काफी बाहर रखा आराम से चतुर चालाक पवन ने बुटोलो को पार किया। सचिन के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज सचिन, सचिन तैयार, बेहतरीन गेंद, बल्ले का हल्का सा एज लगता हुआ लग कर बल्लेबाज सचिन, बेहतरीन किया चादर कप्तान विकेट कीपर रवि नेगी द्वारा। तो सचिन के रूम में टीम खाल को लगने वाला पहला झटका। चले पवन अमित के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, काफी बेहतरीन लाइन लेंथ से गेंदबाजी, गेंदबाज पवन द्वारा, पवन की गेंद अमित तैयार, इस बार जोरदार प्रहार पॉइंट क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के नजदीक तोड़कर दो रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, काफी बेहतरीन। चले पवन अमित के लिए गेंद, रन की मांग और बेहतरीन क्षेत्र रक्षणों पर क्षेत्र रक्षण द्वारा। फिर अंशु अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर कमेंटेटर एंड से अमित के लिए गेंद, बल्लेबाज अमित तैयार, अमित के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट तोड़कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट तोड़कर एक रन पूरा किया बल्लेबाज मोहित अमित ने। बार फिर तो बल्लेबाज समझ नहीं पाई गेंद को, गेंद सीधे विकेट कीपर पवन के हाथों में, अंशु के गेंद, इस बार बैटिंग गेंद, बैटिंग शॉट दूसरा रन चाहते हैं बल्लेबाज अमित, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना, अंशु चले और तो साथ ही स्कोर रनों से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ योगदान दिया मोहित ने, मात्र दो रनों का योगदान बल्लेबाज मोहित द्वारा। अब मोहित का स्थान लेंगे बल्लेबाज धीरज, देखना होगा किस प्रकार की एक बार फिर दीपक चले अमित के लिए गेंद, इस बार बैटिंग गेंद, एक बार फिर अमित के लिए गेंद, इस बार उठा के खेलना चाहते थे बल्लेबाज अमित, सामना करेंगे गेंदबाज दीपक की गेंद का, अंपायर गोपाल बुटोला से गार्ड लेते हुए बल्लेबाज धीरज। चले गेंदबाज दीपक धीरज के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, सम्मान दिया बल्लेबाज धीरज ने, एक बार फिर दीपक चले धीरज के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, जोरदार अपील और रन आउट, बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां पर क्षेत्र रक्षण द्वारा दीपक, बेहतरीन गेंद, धीरज के लिए गेंद, बेहतरीन गेंद, जबकि रवि नेगी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज स्पिन करवा रहे हैं रवि नेगी,
एक बार फिर बेहतरीन शॉट और गेंद टीम मारे कैसे बाहर। छह रन गेंद बेहतरीन गेंद बेहतरीन सीरीज के लिए गेंद गेंदबाजी गेंदबाज कप्तान रवि नेगी द्वारा धीरज ने अरे यार मुड़ जा रहे पकड़ रवि ये गेंद सूरत के लिए उनके हाथों से खेला टाइम के रीजन में बल्लेबाज सूरत ने तोड़कर गेंद को बच गया। दोनों बल्लेबाजों ने रसल के लिए गेंद इस बार बेहतरीन गेंद तेजी से बीट किया बल्लेबाज रसल को समझ नहीं पाए बल्लेबाज रसल तो विकेट के पतन के बाद तो यहां से मात्र छह ओवरों का खेल से चले सूरत के लिए गेंद काफी बेहतरीन गेंद बल्लेबाज सूरत लेकिन बेहतरीन क्षेत्ररक्षण वहां पर क्षेत्ररक्षण द्वारा सामने बल्लेबाज रसल रवि नेगी जी तेज गेंदों का भरपूर फायदा और साथ उठा दी गई गेंद के लिए रवि नेगी जी लगा पाते या नहीं मेरा सभी और बेहतरीन कैच वहां पर राहुल द्वारा और रवि चले अभिषेक के लिए गेंद बेहतरीन गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज अभिषेक फिर अभिषेक के लिए गेंद लेकिन गेंद लेग स्पिन से काफी बाहर गेंद निश्चित तौर से वाइड रवि चले बल्लेबाज अभिषेक तैयार रवि की गेंद इस बार बैटिंग शॉट राहुल द्वारा गेंद फील्ड होती गेंद रवि ने कितना अंशु सामने बल्लेबाज अभिषेक चले अंशु अभिषेक के लिए गेंद बैटिंग गेंद जो डर बाहर करना चाहते बल्लेबाज अभिषेक लेकिन तोड़ कर दोनों बल्लेबाजों ने टूशन और गेंद के मारने के बाद चार रन लिए ठीक तैयार अंशु की गेंद और लगता है ये विकेट कीपर रवि नेगी के हाथों में गेंदबाज अंशु अंशु चले अंपायर गोपाल बुटोलो को पार किया बेहतरीन गेंद समझ नहीं पाए बल्लेबाज कुलदीप अंशु लेकिन फोर का रिगन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने तो नौ ओवर की समाप्ति के बाद टीम खालका स्कोर है पत्थर का मार है 73 रन। अगर टीम खाल को ये सब मेरी बॉल बकेट हुआ भाई नक्का छक्का तोड़ के लिए जो भी तो तोड़ जो भी कॉल लौटा जो भी कॉल जबरदस्त लौटा आदमी अब नहीं हम और एलबी डब्ल्यू आउट होते हुए बल्लेबाज कुलदीप आउट तो चले गेंद बैटरी गेंद बैटरी शॉट
दोनों बल्लेबाज सूरज और ऋषभ ने तो फाइनली अब हम घर में पहुंच चुके हैं और आज का जो मैच रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसमें हमारी विजय प्राप्ति, हमने निर्धारित 12 ओवरों में अपनी टीम के लिए 114 रन बनाए और 115 रन का लक्ष्य विपक्षी टीम को दिया, जो कि बहुत ही बेहतर मैच रहा। और हालांकि जो दूसरी टीम है लगभग 18 रन से पराजित हुई और ये मैच जीतकर हम अगले दौर में प्रवेश कर लिया है हमने। तो आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलता है आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।